कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। कोयला का दोहन बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा किया जाता है, उसमें से सीसल भी एक है। सीसल की लापरवाही के कारण रामगढ़ जिले के कुज्जू कोलियरी खुली खदान में आग लग चुकी है, जिसके वजह से उस इलाके में रह रहे लगभग 4,500 लोग प्रभावित हो रहे हैं। आग तो बहुत 2000 से पहले से लगा हुआ है, तो उस समय काम था। तो यहाँ सीसल खोल दिया, हवा मिला, बस सिरों से तूफान आया, बस फैल गया। सरकार देगा तो हम लोग कैसे हट जाएंगे? आप गरीब आदमी कहाँ से हटेंगे? जितना चलता हम लोग पास उतना पैसा रहता तब ना हम लोग जल्दी हटते हैं कि चलो भाई अभी धुआं बर्दाश्त करना पड़ता है कम बेसि। उसमें बीमारी सर्दी खांसी सब तरह का बीमारी, फिक्र किसी का माथा दर्द हो रहा है धुआं चलते, किसी का क्या हो रहा है, काम का सुविधा नहीं है। अब जो जी रहे थे यहाँ एक दो बोरी करके यहाँ भी आग लग गया, और इतना आग लग गया तब कहाँ जाएगा गरीब यहाँ से? जीने खाने वाला तो परेशानी हो ही गया, प्लस ये परेशानी आ गया जी यहाँ कब भस जाएगा, खतरा कब है कोई नहीं जानता, इसका भविष्य कोई नहीं देख रहा है। प्रशासन के कहना में कि तू लोग हट जाओ जल्दी, कहाँ हट के जाएगा, रोड पर जाएगा कि जंगल में जाएगा? अभी तो इधर हवा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इधर से मरता है तो छोटा छोटा बच्चा बूढ़ा जवान जो भी है सांस लेने में भी दिक्कत है। यहाँ का प्रशासन भी जान रही है, यहाँ का पब्लिक, यहाँ का सीसीएल नहीं जान रही है, सब कुछ जान रहा है। सीसीएल का हाथ में तो दोनों हाथ में लट्टू है, या कागज कलम पर लिख पढ़ कर भेज देगी? हम तो आग बुझा दिए, आग तो 2009 में भी बुझाया था, फिर आग क्यों लग गया? कब जब बुझ गया था आग तो नहीं लगना चाहिए। अभी जाकर आग का पोजीशन देखो, एक तरफ माटी डाल रहा है तो एक तरफ धधक रहा है, और तीन ताला आग लगा हुआ है, तीन ताला। वाग को जो बुझने वाला नहीं है, जब तक कटिंग कर के वाग को नहीं निकालेगा तब तक वाग नहीं निकलेगा। सीसीएल चाहती है कि हम लीपा पोती कर करके इसको खत्म कर दें, और ये आग नहीं बुझाएगा। ये जो है जितना एरिया है ना, आग के लपेट में एन एस आई से लेकर के रेलवे से लेकर सब आग के लपेट में आ जाएगा। नोटिस अपना सीओ को बोल करके डीसी साहब अपना नोटिस भिजवाए थे, लेकिन यहाँ से जाने के लिए कोई पब्लिक तैयार नहीं है। प्लास्टिक होगा तो हम लोग मर जाएंगे, आग लगेगा तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन हम लोग अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग के लिए व्यवस्था कुछ बनावे, जो उचित व्यवस्था होता है वो उचित व्यवस्था बनावे सरकार, तो हम लोग स्वतः हट जाएंगे। कोई अपना से मरना चाहता है? मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि कुज्जू कोलियरी के जनरल मैनेजर एमके मिश्रा को उनके कॉन्टैक्ट नंबर 8987785011 पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि अगलगी स्थल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था की जाए और उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। मैं बसंती सोरेन, झारखंड के रामगढ़ जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।